To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम देखने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी. देखिए, प्राइस लॉ ऑफ डिमांड हमें याद है, प्राइस क्वांटिटी का रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है. और एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, हम बजट कंस्ट्रेंट के लेक्चर में अपने एक्सपेंडिचर साइड को देख चुके हैं कि जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी आ जाएगा. तो हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर लिया पी इन टू क्यू. अच्छा, अब यहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करते चले कि जब इलास्टिसिटी हम परसेंटेज मेथड से देख चुके हैं तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड का फ़ायदा क्या है. देखें, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. एक्सपेंडिचर के जो पैटर्न है उसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि कमोडिटी की इलास्टिसिटी क्या होगी. हम उसको जो पॉइंट और आर्क फार्मूला हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी का, उसमें हम उस चीज़ से वेरीफाई ज़रूर करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है. सिर्फ एक्सपेंडिचर की मूवमेंट को आप देखेंगे, प्राइस और एक्सपेंडिचर की मूवमेंट को आप बता देंगे इसकी इलास्टिसिटी क्या है. देखें, अब फॉर एग्जांपल व्हेन प्राइस 4 क्वांटिटी 5 एक्सपेंडिचर 20, प्राइस डिक्रीज कर जाते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी. और अगर आप एक्सपेंडिचर निकालें तो आपके पास 2 × 10 करेंगे तो वापस एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 20 आएगा. तो अब ये देखिए, ये एक केस आपके पास मौजूद है, 4 से प्राइस 2 हुई, क्वांटिटी 5 से कितनी हो गई, 10 हो गई. अब हम अगर फार्मूला देखें तो फार्मूला था हमारे पास चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी इंटू पी वन प्लस पी टू ओवर क्यू वन प्लस क्यू टू. अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें तो चेंज इन प्राइस कितना है, 4 से 2 हुई है तो 2 माइनस 4 करेंगे, चेंज इन प्राइस माइनस 2, और चेंज इन क्वांटिटी 10 माइनस 5 करेंगे 5, पी वन प्लस पी टू 4 प्लस 2 और क्यू वन प्लस क्यू टू 5 प्लस 10. तो ये आपके पास निकला 5 ओवर 2 माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लिखा 6 ओवर 15, 5 1, 5 3, 3 1, 3 2, 2 2 कैंसिल, आंसर बचा कितना, -1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम इलास्टिसिटी देखें तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी आ रही है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, ये आपके पास इलास्टिसिटी आ रही है. अच्छा, अब यहाँ पर -1 देखें, -1 का साइन हम जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है उसमें हम देख चुके हैं कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का जो लेक्चर है कि माइनस साइन रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, जबकि इलास्टिसिटी इटसेल्फ एब्सोल्यूट उसमें देखी जाए. तो यहाँ पर माइनस साइन अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सर तकरीबन सबके साथ ही आएगा. तो हम यहाँ बात करें इलास्टिसिटी कितनी इक्वल टू 1. अच्छा, ये जो इलास्टिसिटी हमने निकाली, ये निकाली है यहाँ से फॉर्मूले से, एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं निकाली है, लेकिन हम इसके हेल्प से अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड का जो प्रोसीजर है उसको देखकर हम एक जो फॉर्मूला है वो ड्राइव कर लेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू किस ट्रेंड को देखेंगे इलास्टिसिटी पता लग गया. देखिए, प्राइस चेंज हुई, क्वांटिटी चेंज हुई, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इलास्टिसिटी कितनी है, 1. प्राइस चेंज हुई, क्वांटिटी में इतना चेंज आया, प्राइस इतनी चेंज हुई, क्वांटिटी में इतना चेंज आया. अब मैं दूसरे केस में इतने ही प्राइस को चेंज कर दूं, यहाँ से प्राइस 4 से 2 हुई, यहाँ भी प्राइस कितनी हो गई, 4 से 2, यानी जो फोर्स हमने यहाँ लगाई क्वांटिटी डिमांड को चेंज कर दी गई वो यहाँ पे लगा दी. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, 5 से इंक्रीज होगी कितना हो गया, 8 हो गया. एक्सपेंडिचर देखें यहाँ पे आ गया कितना, 16. अब गौर से देखें, जितनी फोर्स क्वांटिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे लगाई थी उतनी ही फोर्स यहाँ पे लगाई थी. इसकी शेप ये चेंज हुई, इसकी शेप ये चेंज हुई, यानी इसकी शेप ज़्यादा चेंज है, इसकी शेप में कम चेंज है. तो जब ज़्यादा चेंज वाले की इलास्टिसिटी 1 है, तो जब शेप में कम चेंज आया तो यकीनन इसकी इलास्टिसिटी इसके मुकाबले में कम होगी. तो मैंने यहाँ पे कह दिया इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1, 1 से कम होगी. और यहाँ पर आप देखें कि अगर मैंने वही फोर्स लगाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, क्वांटिटी इंक्रीज कर गए, नया एक्सपेंडिचर ये आ गया. तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी उतनी फोर्स है जितनी यहाँ पर है, लेकिन जो इसका शेप का चेंज है वो इसके मुकाबले में भी ज़्यादा है. तो जब इसकी इलास्टिसिटी 1 है तो इसका जो रिस्पॉन्स इसकी इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, यानी ग्रेटर देन 1. तो देखें, बगैर फॉर्मूले के हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इलास्टिसिटी यूनिट है, यूनिट से कम है या यूनिट से ज़्यादा है. अब इसी का हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. देखें गौर से, यहाँ क्या हुआ, प्राइस जब हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, देखें प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई, और एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज.
एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। अच्छा, प्राइस डिक्रीज करके भी देखें तब भी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस इंक्रीज करके भी देखें तब भी एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी प्राइस डिक्रीज हो या इंक्रीज हो और एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़े तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, उसको नहीं भी देखेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसकी इलास्टिसिटी पता कर रहे हैं। यहाँ का केस देखें, प्राइस डिक्रीज हुई एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। अच्छा रिवर्स ले लें, प्राइस इंक्रीज हुई एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। इसका मतलब है व्हेन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, यानी प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप ये नजर आ रहा है तो आप खुद ब खुद समझ जाए इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। लास्ट केस, अब यहाँ पर देखें, प्राइस डिक्रीज हुई एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके, और इस तरह प्राइस इंक्रीज हुई तो देखें एक्सपेंडिचर क्या करके डिक्रीज करके, तो इसका मतलब व्हेन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बगैर किसी फॉर्मूला अप्लाई किए आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी क्या आएगी आपके पास, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो आई रिपीट, हमने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखा कि जब प्राइस मूव करे और एक्सपेंडिचर में कोई तब्दीली ना आए तो आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी क्या इक्वल टू 1 है। अगर प्राइस चेंज हो और एक्सपेंडिचर भी उसी डायरेक्शन में चेंज हो जाए, जैसे प्राइस डिक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, अगर ऐसा सिनेरियो आपको नजर आ रहा है तो आप समझ जाएं इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 है। और अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी प्राइस अगर डिक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए, और प्राइस अगर इंक्रीज हो तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर जाए, इस कंडीशन को अगर आप देखें तो देखते ही बता सकते हैं कि क्या इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 विदाउट अप्लाइंग एनी पर्टिकुलर फार्मूला। बस यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रेंड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। ये टर्मिनोलॉजीज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपको मिल जाएंगी कि अगर इलास्टिसिटी 1 होती है उसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, लेस देन 1 को इनइलास्टिक कहते हैं, ग्रेटर देन 1 को इलास्टिक कहते हैं। तो देखें, बगैर किसी फॉर्मूले के हमने ये ड्राइव कर लिया कि प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या इलास्टिक इन नेचर है, ये हमने बगैर किसी फॉर्मूले के ड्राइव कर लिया। हाँ, अब आपने क्या काम करना है कि एक केस, इस केस पे तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, अब आपके पास 2 केस हैं, एक ये केस और एक ये केस, इन दोनों केसेस पे अलग अलग आर्क फार्मूला अप्लाई करें और देखें क्या वाकई ये लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो उसका मतलब लेक्चर आपको 100% क्लियर है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।